Hello everyone, this is Natasha Chaturvedi. Welcome to you all on our YouTube channel that is Easy Learning. Today we are discussing about the introduction of computer. So what is computer? Computer kya hota hai? Computer kya hota hai? Sabko pata hai. Computer ek electronic device hai. Computer ek electronic device hai. Sabhi bolte hain. According to me, ye answer galat nahi hai, but ye answer sahi bhi nahi hai. क्यों? कंप्यूटर के अलावा हम देखते हैं हमारे एसी, फ्रीज, टीवी, ये सारे भी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड ऑल दीज डिवाइसेस? कंप्यूटर एक प्रोग्रामिंग डिवाइस है. कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामिंग डिवाइस दैट रिसीव्स अ इनपुट, प्रोसेस अ डेटा एंड गिव्स अ आउटपुट. कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामिंग डिवाइस दैट रिसीव्स अ इनपुट, process a data and gives a output as per the user requirement. Now what is the input? Basically जो input होता है वो data होता है. Input is a data. अब data क्या होता है? All raw facts and figure is known as a data. All raw facts and figure is known as a data. And data is known as a input. जो हम input देते हैं. अब हम input किससे देते हैं? हमें पता है हम input किससे देते हैं? Mouse, keyboard, ये सारी हमारी electronic devices हैं. Input electronic devices हैं जिससे हम एक computer में input देते हैं. अब आती है बात process की. What's about the process? Process क्या होता है? जो process जो data को process करता है. यानी हमारे प्रोसेस के थ्री टाइप्स होते हैं. प्रोसेस हमारा थ्री टाइप में डिवाइड है. फर्स्ट इज एएलयू, सेकंड इज सीयू एंड लास्ट वन इज एमयू. व्हाट्स अबाउट द एएलयू? एएलयू इज अ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. एएलयू इज अ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. एएलयू मीन्स क्या होता है? जो हमारी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करे. अब ये अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं? एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्स्ट्रक्शन, डिवीजन, जितने भी ये सारे ऑपरेशंस होते हैं वो हमारे परफॉर्म होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर. एंड व्हाट्स अबाउट द लॉजिकल ऑपरेशन? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सारे हमारे परफॉर्म होते हैं लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर. समझ में है? अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इनपुट दिया टू एंड थ्री. अब मैंने इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाया प्लस का, आउटपुट मेरा क्या आएगा? फाइव. ये होता है. अब आती है सेकेंड इसका टाइप प्रोसेस में, सीयू. व्हाट्स अबाउट द सीयू? सीयू इज अ कंट्रोल यूनिट. जो हमारे पूरे डेटा को एक कंप्यूटर के पूरे डेटा को कंट्रोल करके रखता है. दैट्स अ कोलैबोरेट्स बिटवीन ऑल द प्रोसेस. इट इज अ कोलैबोरेट्स बिटवीन ऑल द प्रोसेस एंड कंट्रोल ऑल द डेटा. दैट्स अ सीयू. व्हाट्स अबाउट द एमयू? एमयू इज अ मेमोरी यूनिट. इट स्टोर्स ऑल द डेटा एंड ऑल द इनपुट्स. अब हम बात करते हैं कि स्टोर की हमें नीड ही क्यों है. जब हम कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, यानी जब हम कोई इनपुट दे रहे हैं, ये डेटा दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो हमें एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी और जो वो स्पेस होगा दैट्स अ मेमोरी. समझ में? अब आता है एक क्वेश्चन सबके माइंड में कि डेटा तो पता है हमें, इंफॉर्मेशन क्या होता है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन? देखो, डेटा इज ऑल रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज नोन एज अ डेटा. एंड व्हाट्स अबाउट द इंफॉर्मेशन? मीनिंगफुल डेटा इज नोन एज अ इन्फॉर्मेशन. मीनिंगफुल डेटा इज नोन एज अ इन्फॉर्मेशन. नेक्स्ट वीडियो में हम मेमोरी यूनिट के बारे में, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के टाइप्स क्या है, मेमोरी कैश मेमोरी क्या होती है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.